हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम आउटर इनर मेजर देखेंगे, सॉरी लेवेग इनर मेजर। ठीक है, इनर मेजर पहले हम आउटर मेजर देखा था, उसका बेस थ्योरम देखी थी, अब इनर मेजर आ गया। देखते हैं लेवेग इनर मेजर। ठीक है, लेवेग इनर मेजर क्या होता है? द इनर मेजर ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय एम, जो सफिक्स में लगेगा, ठीक है, इस प्रीफिक्स में, सॉरी नीचे लगेगा, मतलब प्रीफिक्स में ए आएगा। ठीक है, प्रीफिक्स में जो स्टार है, जैसे हम आउटर मेजर में ऊपर स्टार आ रहा था, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं एम ई ए। ठीक है, ये आउटर मेजर के लिए हो गया, मतलब एक्सटीरियर मेजर। ठीक है, और यहाँ पे इसको एम आई ए से भी डिनोट कर सकते हैं हम। ठीक है, इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करेंगे हम, इनर मेजर इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब हमारे जैसे हम इंटरवल देख रहे थे, ठीक है, जैसे हम इंटरवल देख रहे थे, उसमें हमने देखा था ये ओपन वाला था, ठीक है, जो अगर ओपन पे क्लोज के लिए आ रहा था, क्लोज के लिए क्या लिख रहे थे हम, एफ इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस लेंथ ऑफ जी जी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब जी कॉम्प्लीमेंट जो ओपन के लिए था, उसका कॉम्प्लीमेंट था लेंथ बी माइनस ए, जो लेंथ इंटरवल की लेंथ से उसको हमने माइनस करना था। ठीक है, ये हमारा क्लोज के लिए था। ठीक है, यहाँ पर इनर मेजर क्या होता है, क्लोज के लिए होता है। ठीक है, जो आउटर मेजर देखा था हमने, ओपन ओपन सेट ले रहे थे हम। ठीक है, उसमें क्या ले रहे थे हम, ओपन सेट ले रहे थे। ठीक है, यहाँ हम क्या लेंगे, क्लोज सेट के लिए होगा। ठीक है, ये क्लोज के लिए होगा। ठीक है, क्लोज सेट, हाँ क्लोज सेट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए एम स्टार, ये एम क्या है, आउटर मेजर। ठीक है, हम देखो ये जब हम इनर मेजर निकालेंगे तो लेंथ होगी इंटरवल की बी माइनस ए। ठीक है, माइनस करेंगे उसमें, ये तो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी। ठीक है, उसमें हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हम आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम। ठीक है, ए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसका आउटर मेजर निकालेंगे, और इसमें से जो हमारे इंटरवल आएगा बी माइनस है, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, वेयर ए कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू इंटरवल ए बी, किससे रिलेटेड है, इंटरवल ए बी से। ठीक है, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी। ठीक है, जहां ए क्या है, सबसेट ऑफ ए बी है। और आउटर मेजर को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू रख दी है, क्या होता है, इनफिमम, या आउटर मेजर की डेफिनेशन से, ठीक है, इनफिमम ऑफ लेंथ ऑफ जी, जी जब सबसे सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, जो हम आउटर मेजर लेते थे, हम एम स्टार ई लेते थे। ठीक है, तो इनफिमम ऑफ लेंथ ऑफ जी वेयर जी इज अ सुपरसेट ऑफ ई, ऐसा आता था। ठीक है, ये जी क्या है, ओपन सेट होता था एंड जी इज ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे तो अब देखो इसमें से बी माइनस ए में से इनफिमम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, सुप्रीमम आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, सुप्रीमम आएगा। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ एच। ठीक है, यहाँ पर इससे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर एच क्या है, ए तक क्या है, सबसेट है। ठीक है, माना ये हमारे पास ए है और ये जी है। ठीक है, और जो एच आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये ए है यहां से लेके यहां तक, यहाँ एच क्या आएगा, यहां से हम यहां से निकालेंगे सुप्रीमम। ठीक है, जो एच आएगा ये सुप्रीमम आएगा। ठीक है, सुप्रीमम जो इनर मेजर आएगा इन अंदर की तरफ को। ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ को जाएंगे। ठीक है, और वहां के जा रहे थे हम बाहर की तरफ आ रहे थे, यहां से एच लिया, ये जी है। ठीक है, यहाँ पर जी सुपरसेट ऑफ ए है, यहाँ पर हम बाहर की तरफ को आ रहे थे। ठीक है, ये आउटर मेजर की बाहर की तरफ को, यहाँ हम क्या जाएंगे, अंदर की तरफ को। ठीक है, ये अंदर की तरफ को, ठीक है, ये यहाँ अंदर की तरफ को जाएंगे इनर मेजर। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, सुप्रीमम निकालेंगे। ठीक है, जिसे हमारे पास ये सुप्रीमम, देखो यहां से क्या है, ये लिफाफा है। ठीक है, ये लिफाफा है, अब लिफाफे के अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है, क्या क्या आ सकता है, कोई टॉफी रख दे, पेन रख दे, कुछ भी रख दे। ठीक है, और जो सुप्रीमम जो इस लिफाफे में पूरा अंदर फिट बैठ जाए, ठीक है, पूरा फिट बैठ जाए इस लिफाफे में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका सुप्रीमम निकालेंगे। ठीक है, जो सबसे जो इसमें फिट बैठ जाए, ठीक है, वो वाला हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, इनर मेजर सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ एच, एच इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एच इज क्लोज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एच क्या है, क्लोज। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन, यहाँ ओपन है तो यहाँ पर क्या आएगा, एच क्या आएगा, क्लोज आएगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन देखो, एम स्टार फाइव इजिकल टू जीरो। ठीक है, सॉरी एम स्टार इनर मेजर ऑफ फाइव इजिकल टू जीरो होगा, कैसे, देखो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले इंटरवल होगा पूरा। ठीक है, क्योंकि हम इंटरवल ले रहे हैं ना, इज अ सबसेट ऑफ ए बी, इंटरवल क्या हमारे पास ए बी है।
हाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पूरा इंटरवल आ जाएगा, ठीक है इंटरवल, तो फाइव, तो इनर मेजर ऑफ फाइव इक्वल टू बी माइनस ए एम आउटर मेजर ऑफ इंटरवल, ठीक है आउटर मेजर ऑफ इंटरवल क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, आउटर मेजर ऑफ इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, तो यहाँ पे ये बी माइनस सी वाला है और इसका लेंथ, इसकी लेंथ निकालेंगे तो बी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास जीरो आ गया, ठीक है तो ऐसे प्रूफ हो गया। अब देखो इनर मेजर, इनर मेजर क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है फाइव के लिए जीरो आ गया, इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो से बड़ा आ जाएगा, जो और कुछ भी आएगा तो ये क्या आएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है सबसेट ऑफ ए बी का ही है, ठीक है यहाँ पूरे रियल नंबर का नहीं बोले हम, क्या बोले इंटरवल के लिए बारे, इंटरवल के बारे में बात कर रहे, ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है इट इज इंप्लाइड दैट यहाँ से हमें क्या मिलेगा आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर ये क्या है इसका सबसेट है, तो आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू बी माइनस है तो जीरो यहाँ पर क्या आएगा जीरो आएगा और यहाँ पर बी माइनस ए में से छोटा आएगा, इससे कुछ छोटा ले लो, बी माइनस ए हमारे पास थ्री आया और ये हमारे पास क्या आएगा टू आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा ये वन आ जाएगा, ठीक है हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो जाएगा, ठीक है ये। अब देखो यहाँ पर तीसरा देखो फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव आउटर मेजर, देखो सुप्रीमम, ठीक है अब देखो हम किसी का सुप्रीमम निकालते हैं, सुप्रीमम उस सेट के अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है माना हमने कोई इंटरवल लिया, देखो हमने टू थ्री इंटरवल लिया, इसका सुप्रीमम हमने निकाला, इसका सुप्रीमम हमारा थ्री आएगा, ठीक है थ्री आएगा लेकिन ये सेट के अंदर नहीं है, सेट के अंदर है नहीं है ना, तो अगर हमारे पास आउट इनर मेजर हमारे पास थ्री आ गया तो ये ग्रेटर ग्रेटर देन क्या है सेट से बड़ा है लेंथ ऑफ एच, ठीक है ये क्या है लेंथ ऑफ एच, जो लेंथ आ रही है उससे क्या है बड़ा है कि नहीं है, तो यहाँ पे उसके बराबर भी आ सकता है, उसके बराबर भी आ सकता है, उससे बड़ा भी आ सकता है, ठीक है फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव आउटर मेजर सॉरी इनर मेजर इज ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ एच, ठीक है इनर मेजर क्या हमारे पास इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एच से, ठीक है तो लेंथ ऑफ एच हमारे पास छोटा बड़ा इसके बराबर भी आ सकता है, ठीक है फॉर एनी क्लोज सेट, कोई भी क्लोज सेट हमने लिया उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है कोई भी क्लोज सेट लिया एच इज अ सबसेट ऑफ ए, जहां एच का हमारे पास सबसेट ए का है, ठीक है इफ एच इज क्लोज सेट देन आउटर मेजर ऑफ एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एच, ठीक है जैसे हमने ओपन के लिए प्रूफ करा था वैसे यहाँ ये क्लोज के लिए भी प्रूफ होगा, ठीक है जैसे हमने क्लोज के लिए हमने वहां पर देखा था उसको ओपन बनाना है, ठीक है आया नहीं आया था हमारा हमारे पास जो हमने अगर हमने एक इंटरवल लिया था क्लोज इंटरवल लिया था, ठीक है क्लोज इंटरवल के लिए प्रूफ हुआ नहीं था, हुआ था ना, ठीक है तो सेम हमने पहले इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ये एच क्लोज सेट है, ठीक है तो एच क्लोज सेट है तो आउटर मेजर भी क्या होगा मेरे पास आउटर इनर मेजर ऑफ एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एच, ठीक है अब देखो दस फॉर ईच, अब है दस फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी कैन फाइंड अ क्लोज सेट एच इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ एच है, ठीक है अगर हमने इसमें से कुछ माइनस कर दिया, ठीक है तो हमारे पास लेंथ ऑफ एच क्या आ जाएगा ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर देखो सुप्रीमम इसका सुप्रीमम निकालते, ठीक है एम आउटर मेजर में से फॉर एनी, ठीक है वी कैन फाइंड अ क्लोज सेट, मतलब हमें एक ऐसा सेट जरूर मिलेगा, ठीक है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है देखो यहाँ पर हमने थ्री निकाला था, अगर थ्री में से थ्री माइनस कर दिया, ठीक है थ्री में से थ्री माइनस कर दिया हमें एक एब्सोल्यूट ऐसा मिल गया, ये क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है एब्सोल्यूट हमने थ्री ले लिया तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एच क्या हमारे पास लेंथ ऑफ एच है वन है, ठीक है तो लेंथ ऑफ एच क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया आउटर मेजर ऑफ इनर मेजर ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से, हुआ नहीं हुआ ग्रेटर हो गया, तो वो ही बोल रहा है कि अगर हमने यहाँ पर इसके इसमें माइनस कर दिया तो यहाँ पर ये ग्रेटर निकल जाएगा, ठीक है यहाँ पर क्या जाएगा ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है अगर एक ऐसा भी हो सकता है अगर हमने इसमें प्लस कर दिया तो लेस देन हो जाएगा इनर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, अगर हमने देखो यहाँ पर प्लस कर दिया तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ठीक है होगा नहीं होगा स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ठीक है ये भी है ठीक है ये पांच ऑब्जर्वेशन है जो हमें इनर मेजर में मिलते हैं, ठीक है अब देखो एक थ्योरम है सो दैट आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए फॉर एनी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है
कहने का मतलब जो हमारे पास आउटर मेजर होगा वो हमारे जो इनर मेजर है उससे उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक है। लेट, अब देखो लेट एच बी यानी क्लोज सेट, हमने एच एक क्लोज सेट लिया, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे हमने ये जी ले लिया, यहाँ पर एच है, यहाँ ये एच है, ठीक है, ये ए है और यहाँ पर ये जी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एच क्या हमारे पास ए का सबसेट है, एच ये क्लोज सेट लेना है, ये क्लोज है, और ये जी क्या हमारे पास ओपन है, ठीक है। एच बी यानी क्लोज सेट सच दैट एच इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड जी बी यानी ओपन सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एच क्या है, ए का सबसेट है, और ए कहाँ जी का सबसेट है, ठीक है। इट इज इंप्लाइड दैट हमारे पास क्या मिल जाएगा, एच इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ जी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एच इज अ सबसेट ऑफ जी, देखो एच क्या है, जी का सबसेट मिल गया, ठीक है। तो इसका लेंथ निकालेंगे, दोनों दोनों की लेंथ निकालेंगे अगर, ठीक है, तो हमें लेंथ की डेफिनेशन से जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो लेंथ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिख रखा है, लेंथ ऑफ जी इज अ लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ जी। अब देखो टेकिंग द इन्फिमम, अब देखो हमने क्या लेना है, इन्फिमम लेना है, ठीक है। इन्फिमम किसका लेना है, मतलब इन्फिमम का क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओवर ऑल सच जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें क्या हमने लेना है, जी में लेना है, ठीक है, इसमें हमने क्या लेना है, इन्फिमम लेना है ओवर ऑल जी, ठीक है, इसकी तरफ को इन्फिमम लेना है, ठीक है। तो हमने इन्फिमम लिया, वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ लेंथ ऑफ जी सच दैट जी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ जी भी हो सकते हैं। इट इज इंप्लाइड दैट लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए, यहाँ पे कैसे निकलेगा, हमें आउटर मेजर की डेफिनेशन से पता है, देखो यहाँ पे इन्फिमम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, ठीक है, आउटर मेजर की डेफिनेशन से हमें ये मिल गया, ठीक है। टेकिंग द सुप्रीमम, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन वन होगी, टेकिंग द सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या होता है, लोवेस्ट अपर बाउंड, ठीक है, सुप्रीमम क्या होता है, लोवेस्ट अपर बाउंड ओवर ऑल सच एच, जो हमारे पास ये एच निकलेगा इसमें, ठीक है, जो इक्वेशन वन आएगी उसमें लगाना है, ठीक है, हमने ओवर ऑल सच एच बी ऑब्टेन सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे सुप्रीमम लगाना है, सुप्रीमम लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए, यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इनर मेजर से हमारे पास क्या आएगा, सुप्रीमम की जगह पे यहाँ पे सुप्रीमम है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इनर मेजर ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनर मेजर ऑफ ए, ठीक है, तो इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए बाय डेफिनेशन ऑफ इनर मेजर, ठीक है। तो ये हमारे ये प्रूफ करना था हमें, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। जो हमारे पास इनर मेजर होती है वो क्या होती है, आउटर मेजर से लेस है, उसके बराबर होती है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पर लेवेक मेजर क्या होता है, लेवेक मेजर के बारे में आते हैं, देखो लेवेक मेजरेबल सेट क्या होता है, हमने इनर और आउटर मेजर देखा था, अब देखो मेजरेबल सेट क्या होता है, ठीक है, द सेट ए इज सेट टू बी लेवेक मेजरेबल, लेवेक मेजरेबल इफ फॉर ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ आर वी हैव, ठीक है, हमने ए को हम लेवेक मेजरेबल तब कहेंगे जब हमारे पास एक हमारे पास सभी सेट ई के लिए, ठीक है, फॉर ऑल ई इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, आउटर मेजर ऑफ ई, ठीक है, आउटर मेजर ऑफ ई, ई का आउटर मेजर हमारे पास किसके बराबर मिलेगा, आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ई इंटरसेक्शन ए का आउटर मेजर निकालेंगे प्लस आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ए को लेवेक मेजरेबल दिखाना है, ठीक है, तो हम कोई भी सेट ले लेंगे, ठीक है, कोई भी सेट हमने आर से कोई भी सेट लिया, ठीक है, आर से कोई भी सेट लिया तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो लेवेक मेजर ई का जो हमने कोई सेट लिया, ठीक है, कोई हमने सेट लिया उसका मेजर निकालना है, ठीक है, उसका मेजर किसके बराबर होना चाहिए, जब ई इंटरसेक्शन ए करेंगे, ठीक है, ई इंटरसेक्शन ए करा, मेजरेबल निकाला उसका, उसके साथ किसको प्लस करा हमने, आउटर मेजर किसका, जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन इसके साथ करा, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, समीशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ए प्लस आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है,
जो ए है उसके बारे में, ए को मेजरेबल तब कहेंगे जब हमने कोई भी सेट ई ले रखा है वो हमारे इसके बराबर हो जाए, ठीक है। जो हमने सेट अपनी मर्जी से ले रखा ई वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हमें क्या बोलेंगे, ए इज मेजरेबल, ठीक है। एक दूसरा है, दूसरी डेफिनेशन है, द सेट ए इज सेट टू बी लिविंग मेजरेबल इफ इफ जहां पर आउटर मेजर, ठीक है, इक्वल टू इनर मेजर एंड द कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड इट्स मेजर, ठीक है। एंड मतलब जो हमारे पास जो लिविंग मेजर, हम इसको ए को लिविंग मेजर तक कहेंगे, जब हमारे पास आउटर मेजर और क्या हो जाएगा इनर मेजर, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, उस दोनों इक्वल को कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड इट्स मेजर, ठीक है। उस कॉमन वैल्यू को क्या हम कहेंगे, मेजर कहेंगे, ठीक है। एंड इज डोनेटेड बाय एम ए, इसको कैसे डिनोट करेंगे, एम ए, ठीक है, एम ए। दस इफ ए इज लिविंग मेजरेबल देन, हमारे पास देखा है इफ ए इज लिविंग मेजरेबल देन एम आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एम ए, ठीक है। तो हमारे पास ये दो डेफिनेशन है। अब देखो इस पर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम है बहुत सारी, ठीक है, तो हम उनको प्रूफ देखेंगे एक एक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है एनी सेट ए इज मेजरेबल, ठीक है, ए क्या हमारे पास मेजरेबल है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एन ओपन सेट ई कंटेनिंग, यहाँ पर लिख लो फॉर और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी कंटेनिंग ए, मतलब ए जो जी है वो ए को कनेक्ट कर रहा है, कंटेन कर रहा है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ जी है। एंड अ क्लोज सेट एच कंटेन्ड, देखो कंटेनिंग मतलब जी ए को कंटेनिंग कर रहा है, कंटेनिंग कर रहा है, ठीक है, और कंटेन्ड है जी कंटेन्ड इन जी ए, सॉरी एच क्या है हमारे पास कंटेन्ड इन ए, मतलब एच इज अ सबसेट ऑफ ए, एच क्या है ए के अंदर है, ठीक है। ए को हमने ये ले लिया ए और यहाँ क्या है हमारे पास ये एच है, ठीक है, ये हमारे पास एच है और यहाँ पर कंटेनिंग बोल रहा है जी, हमारे पास ये जी सेट है वो क्या कर रहा है ए को कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कैन बी इन ए कैन बी सो डिटरमाइंड दैट लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर है इफ एंड ओनली फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी कंटेनिंग ए एंड अ क्लोज सेट एच कंटेन्ड इन ए कैन बी सो डिटरमाइंड दैट, मतलब ये ए लिविंग मेजर है, जब हमारे पास ऐसे कुछ मिल जाए ए जी ओपन मिल जाए और उसको ए को कंटेन करे और यहाँ पर एच क्लोज मिल जाए और एच किस में कंटेन्ड है ए में, ठीक है, एंड कैन बी और ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये वाली कंडीशन, ठीक है, लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। कहीं कहीं पे ये लेंथ ऑफ हमने ये नोटेशन देखा था, ये मॉड जैसा नोटेशन भी आ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कहने का मतलब लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर हाउ वेयर स्मॉल, जितना हम स्मॉल ले सके उतना स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब देखो प्रूफ देखो, पहले हम कन्वर्स भी है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है हमें कन्वर्स ए मेजरेबल है इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन जो दे रखी है वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, ये ए मेजरेबल तब होगा यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने लिया लेट ए इज मेजरेबल सेट, ठीक है, एम यहां पर इसको मेजरेबल सेट को यहां पर एम नोटेशन है और इसको सेट लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अब इसका यूज करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे, ठीक है, इतना मेजरेबल सेट इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसका शॉर्ट फॉर्म इसका यूज करेंगे, ठीक है, मेजरेबल सेट देन आउटर मेजर, देखो डेफिनेशन से हमें डेफिनेशन से ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन होगी, ठीक है। वी नो डेट हमें पता है आउटर मेजर की डेफिनेशन लिख देनी है इनफिमा ऑफ लेंथ ऑफ जी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ जी एंड जी इज ओपन और आउटर मेजर और यहाँ पर इनर मेजर के लिए इनर मेजर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ एच सच दैट एच इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एच इज क्लोज, ठीक है, ये सब हमें क्या दे रखा है दे भी रखा है, ठीक है, ये हमें देखो दे रखा है ना, ठीक है, ए क्या है ए का जी का सबसेट है और एच क्या है ए का सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ भी करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मतलब क्या है, अगर हम इसको ये राइट साइड को लेके गए तो लेंथ ऑफ जी इज लेस देन एप्सिलॉन पर लेंथ ऑफ एच, ठीक है, यहाँ पर हमने एप्सिलॉन माइनस कर दिया, दोनों तरफ एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो लेंथ ऑफ एप्सिलॉन बाय टू लेस देन इक्वल टू
ये माइनस करा प्लस लेंथ ऑफ एच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, लेंथ ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन लेंथ ऑफ एच प्लस एप्सिलॉन बाय टू हो गया। ठीक है, नाउ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ जी एंड अ क्लोज सेट एच सच दैट एच इज अ सबसेट ऑफ ए सच दैट। देखो यहाँ पर के देखना जो आउटर मेजर और इनर मेजर की प्रॉपर्टी है वो यूज करना है। ठीक है, जो हमने लेंथ ये इसके लिए देखा था जी क्या हमारे पास, वैसे जो फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स की जो फैमिली थी उसको जी बोलते थे हम। ठीक है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो डेफिनेशन देखी थी हमने, ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी देखी थी लेंथ ऑफ जी वाली भी देखी थी। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ ए प्लस प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऐसे मिलता था आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ जी मिलता था ऐसे कुछ। ठीक है, इनफिमम, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास एक एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, हमने क्या करा इसमें एप्सिलॉन बाय टू प्लस कर दिया। ठीक है, एप्सिलॉन बाय टू प्लस करा तो लेंथ ऑफ ये लेस देन ये लेंथ ऑफ जी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन बाय टू इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ जी, यहाँ पर माइनस भी करेंगे अगर हमने इसको इधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, लेंथ ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए बाय आउटर मेजर प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में ओएम लिख दिया। ठीक है, आउटर मेजर प्रॉपर्टी से, ठीक है, इसे इक्वेशन टू ले लिया हमने। ठीक है, एंड इनर मेजर, यहाँ पर देखो जो इनर मेजर अभी देखा था हमने उसकी प्रॉपर्टी, जो आउटर हम यहाँ पर हमारे पास इनर मेजर आ रहा था, जो हमारे पास इनर मेजर था वो हमारे पास क्या था, ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ एच था ना। ठीक है, और यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, जब इसमें हमने प्लस कर रहे थे तो एप्सिलॉन प्लस कर रहे थे तो क्या जा रहा था, ग्रेटर देन हो जा रहा था। ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन हो जा रहा था। ठीक है, हमें एक एप्सिलॉन ऐसे मिल जा रहा था जिससे ये कंडीशन मिल जा रही थी। ठीक है, हमने वही लिख रखा है, तो इनर मेजर इज लेस देन लेंथ ऑफ एच प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, ये बाय इनर मेजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्री होगी, एडिंग टू एंड थ्री को एड करा। ठीक है, लेफ्ट साइड लेफ्ट को, राइट साइड राइट को, तो लेंथ ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन बाय टू इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ एच प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, अब देखो ये वन से ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर अगर हम मेजर लिख दे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमने बाय वन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, लेंथ ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन बाय टू माइनस ये निकल गया था हमारे पास, तो हमने इसको ये लिख सकते हैं, तो हमने हमारे पास ये निकल गया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इसको राइट साइड को, इसको लेफ्ट साइड को लेके आ जाए, तो ये लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, एक साइड प्रूफ हो गया, अब क्या करेंगे हम, कन्वर्स प्रूफ करेंगे। ठीक है, कन्वर्स मतलब ये कंडीशन लेनी है, ये कंडीशन के साथ ये कंडीशन लेनी है, और हमें क्या प्रूफ करना है, ए इज मेजरेबल। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ए इज मेजरेबल। ठीक है, कन्वर्स देखते हैं अब इसका, देखो कन्वर्सली, देखो कन्वर्सली जो हमने कन्वर्स प्रूफ करना था, लेट हमें जो दिया था, लेट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी कंटेनिंग ए एंड क्लोज सेट एच कंटेन्ड इन ए सच दैट लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन, इसे इक्वेशन ए ले लिया हमने। ठीक है, इक्वेशन हमने इसको ए की जगह पे हमने इसको स्टार ले लेते, चलो ठीक स्टार ले लिया। ठीक है, हमने इसको स्टार ले लिया। ठीक है, टू प्रूफ, हमें अब प्रूफ क्या करना है, ए इज मेजरेबल सेट। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना होता है, पहले जो गिवन है उसको लिखना पड़ता है, फिर जो प्रूफ करना है उसको लिखना है। ठीक है, कन्वर्जली में भी जो हमें कन्वर्ज में पहले दे रखा है उसको लिखना है, फिर जो प्रूफ करना है उसे लिखना है। ठीक है, अब देखो सिंस ए इज सबसेट ऑफ जी, यहाँ से जी कंटेनिंग ए, मतलब यहाँ पर से जो आया हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ जी, और यहाँ से जो आया एच इज सबसेट ऑफ ए आया। ठीक है, सिंस ए इज सबसेट ऑफ जी इट इज इंप्लाइड दैट आउटर मेजर निकालेंगे। ठीक है, आउटर मेजर की जो प्रॉपर्टी देखी थी हमने, ठीक है, जो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे देखा आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ जी, हमने प्रूफ भी करा था आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, जी क्या है, इंटरवल का यूनियन होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल का, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का यूनियन होता है। यहाँ पे जो जी होता है, यहाँ पर क्या होता है, यूनियन ऑफ आई एन होता है। ठीक है, ये क्या है, इंटरवल ही तो है, ओपन इंटरवल इज डिसजॉइंट।
तो लेंथ ऑफ जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने इसको फोर ले लिया, ठीक है। एंड एंड यहाँ पे हमने क्या रखा था, ए इज सबसेट, एच इज सबसेट ऑफ ए है, तो यहाँ पे इनर मेजर लगा देंगे। यहाँ पे इनर मेजर इज लेस देन इक्वल टू इनर मेजर ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनर मेजर हमने ये भी देखा था अभी प्रॉपर्टी, इनर मेजर क्या जाएगा, यहाँ पे जो इनर मेजर ऑफ क्लोज सेट होता है इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, ठीक है। एच भी क्या है हमारे पास, एच भी क्या हमारे पास, एच जो था हमारे पास क्या था, जो हमने एच निकाला था, एच इक्वल टू बी माइनस ए माइनस इनफिमम ऑफ ये कुछ था, ठीक है, लेंथ ऑफ जी था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है इंटरवल है, ये क्या है इंटरवल है, यहाँ पर ये इंटरवल माइनस कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या है हमारे पास इंटरवल ही तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इंटरवल ही तो है एक प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये लेंथ ऑफ जी हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। इनर मेजर ऑफ एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर माइनस से इंटू करते हैं, तो जहाँ पर जो इक्व ये साइन होता है, इक्वलिटी साइन इनइक्वलिटी साइन होता है, इससे ये क्या होता है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर ये लेस देन है माइनस इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इनइक्वलिटी साइन क्या होता है चेंज, अगर माइनस इंटू करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया माइनस लेंथ ऑफ एच इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस इनर मेजर ऑफ ए, मतलब इनर मेजर माइनस इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस लेंथ ऑफ एच, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर और फाइव को प्लस कर दिया हमने, इक्वेशन फोर प्लस इक्वेशन फाइव यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा, देखो यहां से ये आया, ये लेफ्ट इनर मेजर ऑफ सॉरी आउटर मेजर ऑफ ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ जी माइनस लेंथ ऑफ एच इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहां से आया, जो स्टार जो इक्वेशन बाई स्टार जो हमने स्टार लिया था उससे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है, यहां से ये निकल गया आउटर मेजर ऑफ ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए इस, यहाँ पे देखो यहाँ पर आया हमारा आउटर मेजर ऑफ ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अब देखो बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, ठीक है, वहां पे दिया था, और जितना स्मॉल हम ले सके अगर हमने एप्सिलॉन को ये ले लिया, ठीक है, वन बाई एन ले लिया, ठीक है, जितना स्मॉल अगर हम इसको टेंस करेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी तो सिग्मा का जाएगा जीरो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन की इधर को जा रहा है जीरो की तरफ को जा रहा है, ठीक है। टेंस जितना स्मॉल हम ले सकते हैं उतना स्मॉल लिया हमने, तो सिग्मा इज तो एप्सिलॉन इज आर्बिट्री सो एज एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, ठीक है। एप्सिलॉन को हमने जीरो की तरफ को टेंस करा तो यहाँ पर क्या जाएगा लेस, यहाँ पर क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ से ये लेस देन है तो यहाँ पर आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए, ठीक है, इसे क्वेश्चन सिक्स ले लो, ठीक है। अब देखो वी नो दैट इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए, ये प्रूफ भी करा था, ठीक है, ये हमने प्रूफ भी करा है कि ये ऑलवेज ट्रू भी होता है, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, जो इनर मेजर है वो हमेशा आउटर मेजर से लेस देन इक्वल टू है, ये हमने प्रूफ भी करा था। तो सिक्स एंड सेवन से हमें क्या मिल जाएगा इक्वल साइन के, ये इक्वलिटी साइन मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास सिक्स एंड सेवन से इनर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए हो गया, ठीक है। तो इट इज इंप्लाइड दैट ए इज मेजरेबल है, ठीक है, हेंस यहाँ पे लिखो हेंस ए इज मेजरेबल सेट, हेंस प्रूफ्ड, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमने क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी थ्योरम है ई, यहां पर अगर हमें ई इज मेजरेबल सेट दे रखा है, ठीक है, हमें एक ई देखा जो मेजरेबल सेट है इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट, ठीक है, मतलब ई मेजरेबल है, ई हमें मेजरेबल सेट दे रखा है इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल, अगर मतलब ई मेजरेबल सेट है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल सेट होगा, अगर हमें ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल सेट दे रखा है तो ई भी हमारा क्या होगा मेजरेबल सेट होगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो हमें मेजरेबल सेट की डेफिनेशन थी, ठीक है, दो डेफिनेशन जो पहली वाली थी उसका यूज करेंगे हम, ठीक है, मेजरेबल ई को मेजरेबल सेट दिखाना है, ठीक है, तो ई को मेजरेबल सेट दिखाना है तो एक हमने आर्बिट्रिक एन ई ले लिया, एन ई ए इज अ सबसेट ऑफ आर ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन से एम ई ए आउटर मेजर ऑफ ए, हमें इसको आउटर मेजर किसका जो हमने सेट ले रखा है उसको आउटर मेजर ऑफ ई यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन ई इसके साथ, ठीक है, इसी का कॉम्प्लीमेंट भी लेना है प्लस आउटर मेजर ऑफ
ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसी के कॉम्प्लीमेंट के ये सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हमने ये डेफिनेशन ले ली, इफ मेजरेबल सेट इफ एंड ऑनली इफ, ठीक है, इफ एंड ऑनली इफ, ठीक है, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करे तो हमारे पास मेजरेबल सेट होगा, अगर मेजरेबल सेट है तो ये डेफिनेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इफ एंड ऑनली इफ मेजरेबल सेट ए इज इक्वल टू ये वाली जो लिखा हमने, ये हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट। ठीक है, अब देखो ई मेजरेबल सेट है, अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना, आगे को चलना है। ठीक है, अब हमने ई कॉम्प्लीमेंट को माना, ई कॉम्प्लीमेंट को हमने बी ले लिया। ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट हमने बी ले लिया, ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही सेट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको ये क्या हो जाएगा, हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, हमने ई कॉम्प्लीमेंट को बी ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर से हमने ले लिया मेजरेबल सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखो ई को हमने लिखा, ई को हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, यहां से ये निकल गया, ई का हमारा ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ पे प्लस मेजरेबल सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन सेम है, इसी तरीके से नहीं बन गई। ठीक है, जो हमारे पास बन रहा था ए, जो हमें अगर हम बी ई कॉम्प्लीमेंट को, ई कॉम्प्लीमेंट को हमने बी लिया, मतलब बी इस मेजरेबल सेट दिखाना है, ये दिखाना है, नहीं दिखाना हमें। ठीक है, हमारा डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज इंप्लाइड दैट हमारे पास क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी इज मेजरेबल सेट, इट इज इंप्लाइड दैट ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट, ये मिला नहीं मिला। ठीक है, तो वही लिखा हमने, मेजरेबल सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एम ई ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ई की जैसे लिख दिया ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस मेजरेबल सेट ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे रहने देना है। ठीक है, इसको आगे ले आना है। ठीक है, इसको आगे ले आना है डेफिनेशन से। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस ई कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिला, बाय डेफिनेशन लिख ले, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट। ठीक है, तो हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट हो गया। ठीक है, तो ये भी ये तो हमारे पास यही निकल गया, इफ ई इज मेजरेबल सेट इफ एंड ऑनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट। ठीक है, यहाँ पर से ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर और भी थ्योरम्स हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे ये वीडियो समझ में आया हो, कहीं पे कोई डेफिनेशन या थ्योरम समझ में आया हो, तो आप मेरे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस या पेपर और उसके सॉल्यूशन चाहिए तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जो आगे के लेक्चर है उनके प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।